मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को 14 फरवरी 2020 में एक डिमांड के रूप में पत्र उनको सौंपा था मैंने, और जिसमें दौरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित चार मुख्य तौर पर मैंने डिमांड्स उनके सामने रखी थी और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा था। मुख्य रूप से पहले हमारी एक डिमांड थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अंदौरा जो है वो दो डिवीजन के साथ जो हमारे सब डिवीजन्स हैं वो जुड़े हुए हैं। आधा एरिया जो है हमारा विधानसभा क्षेत्र वो फतेहपुर के साथ जुड़ा हुआ है, आधा जो विधानसभा क्षेत्र हमारा नूरपुर के साथ डिवीजन इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, मैंने कहा था कि यहाँ पे डीएसपी का कार्यालय होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा सिविल सब डिवीजन जो है पिछले 3 साल से काम कर रहा है, सब जज भी यहाँ पे बैठते हैं पिछले 14 साल से, और यहाँ पे जो क्राइम है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें नशा का है और भी दूसरे जो क्राइम है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मर्डर केसेस हैं, या दूसरा है मारपीट, और भी बॉर्डर के सटा होने के कारण यहाँ पे ये चीजें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी 100 किलोमीटर पे पड़ जाता है, और नूरपुर जो है हमारा 40-50 किलोमीटर तक हमारे लोगों को नूर जो है मन क्षेत्र वालों को जब रुख साइड से जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डीएसपी कार्यालय होना बड़ा अनिवार्य है। और तीसरा, मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारा जो एसटीएम का दफ्तर खुले हुए 3 साल हो गए हैं, अभी तक हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी तक भी नूरपुर में है, और ये होना चाहिए। इससे पब्लिक को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनको नूरपुर जाना पड़ रहा है अपने कागजात जो रेवेन्यू से संबंधित हैं। और चौथा, मैंने कहा था इस इलाके की जो पैदावार है यहाँ पे आम, लीची, संतरा जो है, किन्नू, लुगाट इत्यादि और भी कई प्रकार के यहाँ फल होते हैं। यहाँ पे सब्जियों का कारोबार भी बहुत ज्यादा है, और किसानों और बागवानों को यहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए। सरकार के पास यहाँ सरकारी भूमि जो है कंदरौड़ी में भी, और जो मलोट क्षेत्र है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है, वहां पे काफी ज्यादा सफिशियंट लैंड है, यहाँ पे ये इन चीजों को स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहली कार्रवाई तो ये की कि हमारा जो नूरपुर में रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसके लिए उन्होंने डीसी के माध्यम से आदेश जारी कर दिए हैं कि इमीडिएट इसको जो है इंदौरा में शिफ्ट किया जाए, वहां पे इसका एक सेपरेट जो है रिकॉर्ड रूम बनना होना चाहिए, अकोमोडेशन की यहाँ किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कत नहीं है। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे को 3-4 पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाय कंसर्न ने यहाँ से अपनी रिपोर्ट जो है विभागीय रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दी है, और उसमें डिटेल में उन्होंने चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है रिलेटेड, चाहे इलेक्ट्रिकल के साथ है, वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी उन्होंने अध्याय दिया है कि इसका हमें फीडबैक दिया जाए, तो इस बारे में उन्होंने पूरा ब्यौरा मांग लिया है, और मैं चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है ये कैबिनेट के अंदर इसको लाया जाए, और इसके साथ ही यहाँ की पोस्टें भी सेंक्शन होनी चाहिए डीएसपी कार्यालय के लिए भी और इलेक्ट्रिकल डिवीजन के लिए। यहाँ पे अकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी भी यहाँ पे उपलब्ध है और प्राइवेट अकोमोडेशन भी यहाँ उपलब्ध हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मार्च 2021 तक ये दफ्तर जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के हम बहुत आभारी रहेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री जी जनहित में यह निर्णय ले रहे हैं, ये उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये 4-5 जो लेटर्स आई है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा या कंसर्न हमारे एसपी इलेक्ट्रिकल, उन्होंने सारा ब्यौरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस डिमांड के संदर्भ में, जो कि मैंने उनको 14 फरवरी 2020 में हमारे जब निवास स्थान के ऊपर आए थे तो उनको मैंने ये सबमिट की थी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सभी मुद्दों के ऊपर अपनी कार्रवाई की है, और आने वाले समय के अंदर हमें जरूर डीएसपी कार्यालय अंदौरा और इलेक्ट्रिकल डिवीजन मिलेगा। इसके लिए आने वाले समय के अंदर हम मुख्यमंत्री के बहुत आभारी रहेंगे, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, आने वाले समय के अंदर भी जुड़े रहेंगे। जिसको भी वो 2022 के चुनाव के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र में टिकट देते हैं, जो भी उनका नुमाइंदा होगा उसकी हम डटकर पूरी मदद करेंगे, क्यों मुख्यमंत्री जी भी जनहित में फैसला ले रहे हैं, हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि उनको साथ सहयोग करें, उनकी पार्टी के साथ सहयोग करें। इसके साथ मैं मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे वो बढ़े, खुद मेहनत करें, लोगों की खिदमत करें। इन अल्फाज के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय जय राम ठाकुर जी, धन्यवाद।